एक खातून का मेरे पास फोन आया कि मेरा मियाँ बड़ा गरीब था, हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरे मियाँ को मौला दौलत दे दे, बहुत दुआएं मांगी। मुझे उसी वक्त अंदाजा हुआ ये दुआ ही गलत मांग रही है। ये दुआ क्या मांग रही है बोलो भाई? मांगनी ये दुआ चाहिए थी कि अल्लाह मेरे मियाँ के रिस्क में बरकत दे दे, भले तनख्वाह बड़ा नहीं बना, रिस्क में बरकत हो। दुआ क्या मांग रही है? अल्लाह मेरे मियाँ को मालो दौलत बहुत ज्यादा दे दे। अब जब मियाँ जी के पास मालो दौलत आया तो वो ट्रैक से हट गए, ठीक है, पटरी से हट गए। अब उनको वो जो पुरानी गरीब बीवी थी वो अच्छी, अब वो अच्छी नहीं लग रही उनको, क्योंकि पैसा बहुत आ गया। अब जब पैसा आया तो लड़कियों के फोन आना शुरू हो गए, रिबन जब देखा कि यहाँ रिबन है, परफ्यूम बहुत महंगा है, घड़ी बड़ी महंगी है, मोबाइल बहुत महंगी है। जब ऑफिस जाते थे तो जाहिर है ऑफिस में जो लड़कियां काम करती थी वो देखती थी घड़ी बहुत, मेरी इतनी महंगी नहीं है जो मैं यूं इशारा कर रहा हूँ, घड़ी बड़ी महंगी है, चश्मा बड़ा अच्छा लगा हुआ है, और ये भाई सूट बूट और गाड़ी देखो। तो वो बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, फिसल। अब जब फिसल गए तो बेगम को मोहब्बत ही नहीं दे रहे, उसको टाइम ही नहीं दे रहे। वो खातून कह रही है मेरा मियाँ क्या हो गया, उससे तो वो गरीब ही अच्छे थे, उससे तो वो आदि हो गया शराब कबाब का, बुराइयों का। मैंने कहा आपने दुआई गलत मांगी थी, पैसा आ गया उसके पास, अब देखो। और मैंने कहा गम ना करें, थोड़े दिन में ये वहीं आ जाएगा दोबारा, थोड़े दिन में ये उसी मकाम पे वापस आके, क्योंकि जब पैसे का ये वाला इस्तेमाल होता है ना तो अक्सर रिपोर्ट यही है। वो मैं वाकया सुनाता हूँ ना, एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके होटल गया और कहने लगा अल्लाह के नाम पे दो दूध पत्ती दे दो। एक उसने कहा दूसरी किसके लिए होटल वाले, उसने कहा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अल्लाह के नाम पे दे दे पैसे नहीं है। उसने कहा कमबख्त जब तू इतना गरीब है तो गर्लफ्रेंड क्यों रखी हुई है? कह रहे रख के गरीब हुआ हूं, गरीब होके नहीं रखी है, जब रखी थी तो फिर ये हालत नहीं थी, इस हालत तक रखने के बाद पहुंचा हूं। तो अल्लाह की तरफ से बरकत का मतलब क्या है? देखो बारिश के पानी में अल्लाह ने बरकत रखी है, आम पानी में बरकत नहीं है। कुरान में आता ना हम आसमान से बारिश वाला पानी बरसाते हैं, बरकत वाला पानी। आम पानी आप जमीन को सैराब करो खाद अलग से डालनी पड़ती है, बारिश का पानी कहीं घास लगाने के लिए कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। किसी जमीन में आप घास लगाना चाहें वहां से अमरीका से बीज मंगवाने पड़ेंगे, फिर पता नहीं कहाँ से खाद मंगवानी पड़ेगी, फिर स्प्रे करना पड़ेगा, फिर भी किस कोई माहिर आदमी होगा तो ग्रीनरी पैदा होगी उसमें। लेकिन आसमान से पानी कहीं भी बरस जाए हरियाली, हालांकि वही पानी है, वही पानी जमीन में जाके जब आप बाल्टियों में ला के फेंकोगे तो पौधा नहीं उग रहा, उससे अलग से खाद डालनी पड़ रही है। लेकिन वही जब बहराज दरख्त पे बरसेगा और बराहराज जमीन में जाएगा, कैसी हरियाली और बड़ी बड़ी फसलें लहलाने लगती हैं उससे। तो बरकत की अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और बरकत अल्लाह की मदद से होती है।